शांति ओम शांति तो आज अव्यक्त बाप दादा की बोली सुन रहे हैं अव्यक्त बाप दादा बोले अपने को मास्टर ऑल माइट्री अथॉरिटी समझते हो पूछो अपने आप से मास्टर ऑल अथॉरिटी समझते हो हाथ उठाओ फॉरन सब हाथ उठा लेंगे क्योंकि बाबा हम बच्चों को टाइटल देते हैं तो हम बच्चे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे और खुशी भी होती है बाबा हमें कहते हैं मास्टर अथॉरिटी आल माइटी अथॉरिटी के हम बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं अपने को मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी समझते हो बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियों की सर्व नॉलेज की हेडिंग सुनाई मैंने ना परहेज के द्वारा संगम युग के सर्व सुखों की अनुभूति ये है मुरली की हेडिंग अपने को मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी समझते हो बाप के द्वारा जो जो प्रश्न आते है ना अपने पास नोट करो तो अपने को चेकिंग करने में ये बाबा के प्रश्न बड़े मदद करेंगे नई नई अपनी चेकिंग आज बाबा ने जो कही वो अपनी चेकिंग करो ऐसे चेकिंग में बहुत मजा आएगा फिर ये चेकिंग करना छूटेगा नहीं बाबा कहते है चार्ट लिखो तो कईयों को भारी पड़ता है परंतु अगर ये अभ्यास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने अपना चार्ट देखते रहेंगे बल्कि लिखने की भी दिल होती रहेंगी। बाबा कहते हैं अपने को मास्टर रहेंगीवास्टर आलबाइटी अथॉरिटी समझते हो बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियों की सर्व शक्तियों की सर्व नॉलेज की पर राज करने की सुनते जाना और चौथी बात विश्व पर राज करने की जो अथॉरिटी मिली है उस अथॉरिटी को कहा तक अपने स्वरूप में लाया है ये रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है कि बाप से हमें क्या क्या अथॉरिटी मिली है सारे दिन के अंदर स्व पर राज करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है ये चेकिंग करते हो नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल एक तो पहले ये प्रश्न आया दूसरा नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहा तक रहता है ये दूसरा प्रश्न अब तीसरा प्रश्न है सर्व प्राप्त हुई शक्तियों की अथॉरिटी माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहा तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है चौथी बात प्राप्त शक्तियों की अथॉरिटी ये बताया माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहा तक प्रैक्टिकल में अनुभव होती है जिस जिस शक्ति के द्वारा जो कार्य कराना चाहो वो कार्य सफलता रूप में दिखाई दे ऐसी अथॉरिटी अनुभव करते हो ये चौथा प्रश्न अभी फिर पांचवा प्रश्न बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान आलमाइटी अथॉरिटी बनाते हैं तो बाप समान बने हो पांच प्रश्न कहाँ तक बने हो ये भी चेकिंग करने आता है अभी अपने को जवाब देना और अगर पक्का पक्का है हमारी उन्नति हो तो नोट कर दो जवाब क्या आया अच्छा अभी आगे चलते हैं अभी बाबा आगे हमें समझाने देते है कई बच्चे बाप दादा से रू रिहान करते हुए ये एक बात बार बार कहते हैं बाबा चेक तो करते हैं लेकिन अपने को चेंज नहीं कर पाते है, है ना ऐसी कंप्लेन हा हरेक की अपने अंदर से पूछो क्योंकि पर्तक् प्रमाण है जानते हैं, मानते हैं सोचते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं युक्ति चलाते भी हैं, परंतु मुक्ति नहीं पाते हैं बाबा उसके लिए क्या करें? इसका कारण बाबा जवाब दे रहा है इसका कारण एक छोटी सी गलती वह भूल है छोटी सी बताते हैं ना हाथी इतना बड़ा अगर उसके कान में छोटी सी चीटी पड़ जाती है तो बेचारे को बड़ा पड़े, सुना है कभी ऐसा सुना है नहीं सुना है सुना है ना तो बाबा भी कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और ये छोटी सी गलती इसका कारण एक छोटी सी गलती व भूल है जो इस भुल के चक्कर में लाती है वो क्या है जैसे दवाई चाहे कितनी भी बढ़िया हो और अपना डोज भी ले रहे हो लेकिन एक बार भी परहेज में से कोई एक वस्तु अगर स्वीकार कर ली डॉक्टर कहे ये ये चीजें नहीं खाना और अगर कोई दिल पसंद चीज है चलो आज खा लेते हैं तो अगर एक भी चीज परहेज में से जिस जो नहीं खानी है अगर स्वीकार कर ली तो वह जो स्वीकार करनी थी वो नहीं की तो दवाई के द्वारा व्याधि से मुक्त नहीं पा सकते हैं इसी प्रकार यहाँ भी नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौराते हैं ये यथार्थ है ये अयथार्थ है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये रंग है ये राइट है और ये हार है या जीत है ये समझ बुद्धि में है अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रू कर रहे हैं। क्लास कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और ये सब डोज ले रहे हैं, लेकिन जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है पहली कह कौन सी मर्यादा बाबा ने हमें दी है बताएगा कोई हाथ उठाओ पहली मर्यादा <laughs> गुप्ता जी बोलते हैं, हाँ? एक बाप को याद करो तो बाबा कहते हैं कि ये सब समझो करते रहते हैं अब और सब डोज ले रहे है लेकिन जो पहली पढ़ी परहेज व मर्यादा है आज संडे है जल्दी उठेंगे क्या हाँ होने के पहले कोई भी नहीं उठे क्योंकि ये काम की चीज है ना थोड़ा ध्यान से सुनेंगे पूछती इसलिए हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनो नहीं तो समझते मूलिया सुनी हुई है समझ में तो आ ही जाती है बाबा कहते हैं तो जो पहली पहली परहेज व मर्यादा है कौन सी एक बाप दूसरा न कोई इसी स्मृति में और इसी समर्थी में रहना ये मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं न कहीं अपने को यह कह कर के धोखे में रखते हैं मैं तो हूं शिव बाबा का ना। और मेरा है ही कौन मेरा तो है ही एक बाप लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति वैभव संबंध संपर्क व कोई साधन की स्मृति भी न आवे ये है करी अर्थात करी ब परहेज ये है करी अर्थात परहे मुख्य परहेज इस परहेज में अलबेले होने के कारण क्या अलबेलापन मनमत के कारण वातावरण के कारण बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई इस परहेज में अलबेले होने के कारण कभी मनमत के कारण कभी वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर स्मृति स्वरूप नहीं रह सकते हर एक अपने दिल से बात लगाते जाओ बाबा जब सुनाते हैं अच्छा लगता है तो वो बात अपने दिल से लगाते जाओ तो याद रहेंगी जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं अलग काल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो फुल अटेंशन के बदले केवल अटेंशन हो जाता है उसके बाद फिर अटेंशन भी अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है परिस्थितियां व परीक्षाओं के वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप बन जाता है इस कारण जैसे स्मृति इस कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी वो शक्ति भी हिम्मत भी बदलती जाती है और माइटी अथॉरिटी के बदले मास्टर सर्वशक्तिवान के बदले माया के वशीभूत होने कारण, वशी के कारण वशीकरण मंत्र काम ही नहीं करता अर्थात जो युक्ति बाबा ने बताई है वह मुक्ति नहीं दिलाती है और फिर चिल्लाते रहते हैं कि बाबा चाहते भी है फिर भी क्यों नहीं होता तो मूल परहेज चाहिए इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो कौन सी हुई पहली बात बोलो कौनसी हा मेरा तो एक बाबा एक बाप की याद में रहना अब दूसरी परेशनो देखो बाप को बच्चों बाप को बच्चों का कितना ख्याल है कैसे छोटी छोटी बातें कैसे बच्चे होके करते हैं और बाबा वो देख करके के बाबा को तरस पड़ता है दूसरी परहेज बाप ने जो अधिकार दे दिया है अपने आप का मालिक बनने का वह रचतापन का लेकिन रचता बनने के बजाय स्वयं को रचना कौन सा रचतापन कौन सा है हमारा परंतु रचता के बजाय बनने के बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं आत्म अभिमानी के बजाय मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कौन मैं आत्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा तो हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान तो उसके बजाय स्वयं को रचना समझ लेते हैं अर्थात रचतापन भूलते हो तब ही माया अर्थात देह अभमान तुम रचता के ऊपर खुद देह अभमान रचता बन जाता है तुम्हारा अर्थात अपना अधिकार रखते हैं रचता पर कोई अधिकार वास्तव में रख नहीं सकता है विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता माया के आगे भी फिर रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो इसका कारण है मालिकपन के व अधिकारीपन की, की स्मृति स्वरूप रहने की परहेस निरंतर नहीं करते हो समझ गए हुए मालिक कौन मैं आत्मा अगर समझे मैं आत्मा हूँ मैं इन आर्गन को चलाता हूँ शुरू शुरू में बाबा ने हम बच्चों को यही अभ्यास दिया बस ये पक्का करो मैं आत्मा ऐसे शरीर की मालिक आंखों की मालिक आंखों को चलाने वाली मैं आंखों से देखने वाली मैं आत्मा मुख से बोलने वाली मैं आत्मा गरी गरी अपने को याद दिलाओ तो हम लोगों ने शुरू में तो वही बात बाबा कहे और हम अभ्यास करें क्योंकि बाबा के संग ही रहते थे तो पक्का हो गया और कितना आनंद आता था इसलिए बाबा कहते हैं कि अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो तो मूल परहेज ये चाहिए दूसरी बात सुन ली अब तीसरी बात पहली परहेज एक बाप की याद दूसरी परहेज मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की संतान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ ये पक्का याद रहे देभान में आते हो तो फिर अधिकारीपन छूट जाता है अब तीसरी परहेज बाप के द्वारा सब के ट्रस्टी बन करके के रहना है जो भी चीजें हैं तुम्हारे पास इस सत्ता के भी ट्रस्टी मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी हो लौकिक और अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो लेकिन ट्रस्टी के बजाय माताएं सुन रही हो हा? सभी माताएं भाई बाबा के लिए तो सब बच्चे तो बाबा कहते हैं लौकिक चाहे अलौकिक जो भी प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो लेकिन ट्रस्टी के बजाय ग्रस्ती बन जाते हो ग्रस्ती के दुर्दशा का मॉडल आप बनाते हो ना है ना म्यूजियम के अंदर ग्रस्ती के दुर्दशा का कैसे बेचारी माता रो रही है बच्चे आगे बैठे हैं गरीब हुए पड़े हैं कौन सा मॉडल बनाते हो जो सभी तरफ से खींचता रहता है दूसरा गृहस्थी को के रूप में दिखाया है। अनेक प्रकार के है। ऐसा मॉडल बनाते हो ना जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरेपन के अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं सबसे रायल रूप बोझ का है सबसे रायल रूप का बोझ है मेरी जिम्मेवारी है इसको तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना, और कोई ग्रस्ती नहीं तो और कोई ग्रस्ती समझो नहीं भी है बाल बच्चे वगैरह तो कौन सी गृहस्थी बना लेते हैं जिम्मेवार अपनी समझ के चलो और कोई गृहस्थी नहीं है तो अपनी कर्म इंद्रियों के भी वश हो जाते हो अपने कर्म इंद्रियों के वश हो करके अनेक रसों में समय गवाने की गृहस्थी तो बहुत है आज कन्नरस के वश समय गमाया कल जीब्रस के वश समय गमाया ऐसी ग्रस्ती में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाती हूँ यह तन भी मेरा नहीं अब बाबा फिर उसका सिद्धांत बताते हैं वास्तव में यह धन भी मेरा नहीं तन भी तन का भी मैं ट्रस्टी हूँ तो ट्रस्टी मालिक के बिगर किसी भी वस्तु को अपनी अपने प्रति आपे ही यूज नहीं कर सकते तो कर्म इंद्रियों के रस में मस्त हो जाना इसको भी ग्रस्ती कहेंगे नक ट्रस्टी क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो उनकी श्रीमत एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने का है अभी इन कर्म इंद्रियों के द्वारा एक का ही रस लेना है फिर तो अनेक कर्म इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न रस क्यों लेते हो तो लौकिक और अलौकिक प्रवृत्ति में ग्रस्ती बन जाते हो इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते रहते हैं कि बच्चे सब मेरे को बोझ दे दो वो बोझ व्यर्थ ही अपने ऊपर उठा करके बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो लेकिन उड़ कैसे सकेंगे इसलिए कहते हो जानते बाबा जानते हैं मानते हैं सोचते भी है परंतु कर नहीं पाते हैं तो इस सब परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो लेकिन मुक्त ती नहीं पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। देखो रहमदिल बाप, मास्टर सागर और एक अंचले के प्यासी, अर्थात योग और ज्ञान के द्वारा जो अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव के अंचली के प्यासी है इसलिए अब बाबा कहते हैं परहेस को अपनाओ तो सर्व प्राप्तिया सदा अनुभव होती रहेंगी सर्व प्राप्तियों के प्रॉपर्टी के मालिक हो ऐसे बालक मालिक प्राप्ति से वंचित हो ये तो बाप से भी नहीं देखा जाता तो अब तिरसठ जन्मों के ग्रस्तीपन के संस्कार छोड़ो तन के मन के ट्रस्टी बनो सब की है सब सब बाप की ज़िम्मेवारी है मेरी ज़िम्मेवारी नहीं इस स्मृति से स्वयं को हल्का बना दो फिर जो सोचेंगे वही होगा अर्थात हाई जंप दे देंगे लगा देंगे तो यह फिर तुम्हारा यह रोना चिल्लाना रू में परिवर्तन हो जाएगा रूअनिहार के द्वारा तो रूहों में राहत भर सकेंगी नहीं तो वैसे तो बाप से रू करने में तो अपने में राहत भरती है परंतु ये शिकायतें करने से कभी अपनी शिकायतें कभी परिस्थितियों की शिकायतें इसमें ही रूरियान का समय समाप्त कर देते हो तो आप शिकायतों को रूहानियत में बदली करो तब ही संगम युग के सुखों को अनुभव कर सकेंगे समझा ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली और भी आगे मुरली है पूरी नहीं हुई है छोटी होती है तो दूसरी मुरली मिला लेते हैं और बाबा आगे सबसे बात करने के बाद जनरल फिर छोटे छोटे ग्रुप से कभी टीचर से या जोन वाइज बाबा बात करते थे तो भले ये मुरली का आ, आ, लास्ट हिस्सा बताती हूँ परंतु आगे की और मुरली है ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले सारी मुरली का सार बाबा देखो कितना पॉजिटिव बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले कदम कदम पर श्रीमत कदम कदम श्रीमत पर चलने वाले ऐसे आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले ऐसे बाप के पेड़ ज्ञानी तू आत्माए और योगी तू आत्माए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते